कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और वो कितना भी हेल्दी खाए उसकी लाइफ स्पैन उतनी नहीं है जितनी जो थोड़ा सा अनहेल्दी खाकर डेली एक्सरसाइज करता हो उसकी है। जो बहुत ही पॉपुलर है सेसमी ऑयल, बहुत सारे ऑयल, कुछ प्रॉपर्टीज हैं अगेन जो जाननी जरूरी है कि कौन सा ऑयल हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए आप लोग, ऑयल में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। इफ योर ऑयल स्मोक्स, अगर आपके ऑयल में से धुआं निकला ऑक्सीडाइज हो गया, वो जैसे मेटल में रस्टिंग होती है, लोहे में जंग लगता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लोहा हमें पता है कमजोर हो रहा है, हटाओ उसको मॉइस्चर वाले जगह से, है ना। क्यों बॉम्बे में ये एसी लोगों के और सारे क्यों खराब हो जाते हैं, जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर आप तेल खा रहे हो जो धुआं दे रहा है कुकिंग के टाइम, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्सिनोजन है वो, आपकी बॉडी में चांस ऑफ कैंसर हैपनिंग विल गो हायर इफ यू ईट इट, इफ यू कंज्यूम इट। दूसरा एंगल ये है कि उसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट देख रहे हैं कि उसमें पोषण कितना है। ऑयल्स और फैट्स में नेचुरली उसकी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 रिच होना चाहिए, विटामिन ई वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। फिर अडल्ट्रेशन जो कर रही है इंडस्ट्री उसको तो हम क्या करें, वी कांट हेल्प इट। सो वो अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस है जो हो रही है, कांट हेल्प इट। बट मेरा सबसे अच्छा रिकमेंडेशन होता है आप जो चावल का तेल, राइस ब्रैन ऑयल होता है लोकली सोर्स्ड हमारा, आप वो कंज्यूम करो। उसकी प्रॉपर्टीज ये सारी चीजें ख्याल रखते हुए अच्छी रहती हैं। बट अगेन कमर्शियली अवेलेबल ऑयल्स में आपको बहुत ध्यान देना है कि अडल्ट्रेशन वगैरह देखना पड़ेगा, बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एक लेमैन के लिए, बहुत डिफिकल्ट है वो सारी चीजें। सर जैसे सरसों का जो तेल है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और हर एक फैमिली में सरसों का तेल तो इजीली अवेलेबल है, तो वो हेल्दी है? नहीं है, क्योंकि सरसों का तेल तो सबसे ज्यादा स्मोक देता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है वो। सरसों का तेल इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज फॉर हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज इन आवर कंट्री, और इंडिया इज अ डायबिटिक एंड हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और इस ऑयल का बहुत बड़ा योगदान है। Okay, mark these words. Do not cut this out again. Sir, एक मुझे आपसे चीज पूछनी है कि जो B12 ये है, ये माना जाता है कि नॉन वेज फूड से ही मिलता है, तो इज इट राइट या फिर हमें वेज फूड से भी मिलता है? आई नो कि आपने ऑलरेडी बताया है, नहीं ये वाला एस्पेक्ट कवर नहीं हुआ, मैं इस पर क्लैरिटी आपको देता हूँ सर। सो जो एनिमल्स हैं नॉन वेज फूड एज कॉल्ड, उनको B12 कहाँ से मिल रहा है? B12 बॉडी नहीं बनाती, B12 मिलता है खाने से, ठीक है। एक विटामिन डी है सिर्फ जो बॉडी हमारी बनाती है, एंड टेक्निकली विटामिन डी न्यूट्रिएंट नहीं है, हम उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं क्योंकि विटामिन शब्द लिखा है, बट विटामिन डी एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है। जब हम सन में अपने आप को एक्सपोज करते हैं, वो तो छोड़िए वो तो कोई नहीं कर रहा, बट B12 डाइट से मिलता है। तो बताओ उन जानवरों को B12 कहाँ से मिलता है? जब वो घास खाते हैं, अपना अनाज खाते हैं जमीन से उठा के, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्गे काई, ठीक है, वो जो ग्रो होती है सैंड पे गीले एनवायरनमेंट में, वो साथ में नेचुरली उसको खाते हैं। वो कोई फोर्क और स्पून से लेके अलग तो करते नहीं है अपना खाना, तो उनको अपना B12 नेचुरली वहां से मिल जाता है। हम लोग कोल्ड स्टोरेज का फूड खाते हैं, हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ठीक है, हम लोग फर्टिलाइजर वाला फूड खाते हैं, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप इनको ठंडा एनवायरनमेंट दोगे या आप इनपे पेस्टिसाइड डालोगे तो ये मर जाते हैं, तो मेरे फूड में इसके B12 है ही नहीं, ठीक है। और जो नॉनवेज की जो बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली B12 के इंजेक्शन ही लगाए जा रहे हैं सारे पोल्ट्री को, सारे कैटल को, गोट्स को, सबको B12 के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं आज की तारीख में। B12 तो मिलेगा ना, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ आप B12 अपना इनडायरेक्ट सोर्स से बेचारे मिडलमैन से क्यों ले रहे हो, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। Supplementation is the only solution, और कोई तरीका नहीं। And जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, supplement को लेकर हमारे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा डर है, एक उनको supplement से लगता है कि ये हम क्या है, तो हम कुछ नकली खा रहे हैं। तो I want to know कि जिस भी विटामिन की आपको कमी हो रही है, चाहे वो विटामिन डी हो या फिर B12 हो, तो क्या सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं एंड क्या वो हेल्दी है हमारे लिए?
सप्लीमेंट्स आर एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है नॉलेज इम्पार्टिंग में, एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमें एजुकेट नहीं किया जाता है किसी सब्जेक्ट पर. बस बेचना शुरू कर देते हैं, बस प्रमोट करना शुरू कर देते हैं. अगर आप इंडिविजुअल को पहले एजुकेट करें तो उनको एक मतलब उनको फायदा मिलेगा समझने में कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं. दूसरा एंगल वो मार्केटिंग वाला आ जाता है अनफॉर्चुनेटली, वेर इन प्रोडक्ट अच्छा ना भी हो तब भी पुश किया जाता है. एक बार सो प्रोडक्ट सेलिंग कैसे होती है, पहले एक डर क्रिएट किया जाता है कंज्यूमर के माइंड में, फिर एक नीड क्रिएट की जाती है. अब आपको और मुझे फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन हमारा ले लिया जाए तो क्या आप और मैं फंक्शन नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं ना. 2007-08 में जब स्मार्टफोन्स आए थे तो लोग नॉर्मल जो नॉन स्मार्टफोन थे वही यूज कर रहे थे, मतलब वो लाइफ ज्यादा अच्छी थी लोगों को, बीमारियां कम थी लोगों को. सो यू क्रिएट अ फियर एंड यू क्रिएट अ नीड, लोग कुछ भी ले लेंगे. एंड सप्लीमेंट्स में जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि आई ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, हम अपना खुद का भी करते हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी का इशू आता है. लोग चीजें बेचने के लिए इन्फीरियर क्वालिटी जो उसके अंदर फिलिंग होती है ना कैप्सूल्स टैबलेट्स के अंदर, वो लो क्वालिटी इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं. क्यों? पैसा बचाने के लिए. बट सप्लीमेंट्स आर सेफ टू कंज्यूम एंड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब मुझे प्रैक्टिस में, मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में 10 साल हो गए हैं. टोटल मेरी प्रैक्टिस को 13 ईयर्स हो गए. 2010 में स्टार्ट किया था, मैं आई वाज वर्किंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. मैं 10 साल से 12 साल से लोगों को सप्लीमेंट एडवाइस कर रहा हूँ. पहले अपना होमवर्क करता हूँ, पहले अपने पे ट्राई करता हूँ सप्लीमेंट, जब वो काम करता है फिर आगे मैं एडवाइस करता हूँ. मैं डेवलप करता हूँ, फॉर्मुलेट भी करता हूँ खुद. ओके, ठीक है. अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में, आपको जानकारी होनी जरूरी है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या नहीं. पेन किलर के सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट है, ठीक है. आपके डाइजेस्टिव इश्यूज के ऑल्टरनेट के सप्लीमेंट है. आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसके सब्स्टिट्यूट दवाई की जगह सप्लीमेंट है. आपकी शुगर बढ़ी है उसकी जगह ऑल्टरनेट सब्स्टिट्यूट आपके सप्लीमेंट्स हैं, है ना. फर्क ये है, वो दवाई 2 दिन में काम करती है, सप्लीमेंट 2 महीने बाद करेगा, बट दवाई का साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और आप अपनी बॉडी को सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दे रहे हो. सबसे बड़ा पार्ट है, पहले के टाइम ये करते थे, फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और सर एक चीज है कि ऐसा सुनते हैं काफी कि मैं तो हेल्दी ईटिंग करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हो, आप हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हो फिर भी आपका वजन जो है वो बढ़ रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लाइक आई सेड लोग रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. उनको ये नहीं पता कि उनका वेट बढ़ क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस. लाइक आई सेड वो 1000 कैलोरी खाकर भी उनका वजन बढ़ सकता है. क्यों? क्योंकि इंटरनली कोई ना कोई इम्बेलेंस है, बॉडी में कोई स्ट्रेस है, उनका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ है, उनका स्लीप हैम्पर्ड है, लाइक आई सेड एक्टिव नहीं है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड उनका मैलफंक्शनिंग है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इंबैलेंस हुआ हुआ है, ये सारी चीजें आपका वेट बढ़ा सकती हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं उनका भी वजन बढ़ जाता है. हर चीज ऑप्टिमाइज करके एक मॉडरेशन में होनी बहुत जरूरी है. हम सिर्फ फूड के लिए बोलते हैं नहीं, सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए. सर जैसा आप बता रहे हैं ये काफी हम देखते हैं गूगल पर और काफी लोग ये दावा भी करते हैं कि आपको बिना एक्सरसाइज कराए हम आपका डाइट से ही आपको पतला कर देंगे, आपको मोटा कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है? लोग कर रहे हैं ना, वो तो मैं आपको बता रहा था, कैलरी कम कर दी वजन कम हो गया, कैलरी बढ़ा दी वजन बढ़ गया. बट वो जो वजन कम होता है वो सिर्फ मोटापा और फैट नहीं, वो आपका मसल मास, बोन मास, वाटर वेट सब गिर जाता है. और जो मैं वेट गेन की बात करता हूँ वो कुछ नहीं, उनको फैट किए जा रहे हैं, उनको मोटा किए जा रहे हैं. अगर मैं प्रोटीन भी ज्यादा खाऊंगा मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो भी फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा. ओके, नंबर्स पे जाओगे सिर्फ तो यही होगा, क्वालिटी और ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. बिल्कुल सर, एंड दिस वाज अ माइंड ब्लोइंग इंटरव्यू आई मस्ट से. सर टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू, मैं वैसे तो हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज थोड़ा एडवाइस दीजिए, बट अभी मेरे पास जो एडवाइस के लिए जो क्वेश्चन है माइंड में वो थोड़ा सा बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा क्रिस्पी है कि जैसे बहुत से लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड वो ना चाहते हुए भी उनको उनको लगता है कि वो सोशल होना चाहते हैं तो अल्कोहल कंज्यूम करनी पड़ेगी, या फिर ओकेजनली कुछ लोग कंज्यूम करते हैं तो, एंड ऐसा ही स्मोकिंग भी है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई ओकेजनली कंज्यूम कर रहा है तो कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे वो अपने आप को डिटॉक्स कर पाए? ऐसा कुछ नहीं है कि वो
ओवरनाइट या एक दिन में दो दिन में वो सारे नेगेटिव इफेक्ट्स को हटा दे, निगेट कर दे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो सारे वर्टिकल मैंने जो बताए थे आपको, फूड, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, अगर आप उन सब चीजों को बैलेंस करके अच्छे क्वांटिटी में ऑन अ वीकली बेसिस कर सकते हो, तो बीच बीच में आप इंडल्ज अगर करते भी हो तो इट्स ओके, मैनेजेबल है. बिकॉज एक बॉडी को सही एनवायरमेंट देना तो जरूरी है ना. बट अगर आपकी चोट लगी भी है, मैं उसको अगर छेड़ता रहूंगा, इट विल नॉट गेट ओके. सो एवरी बैलेंस क्रिएट करो लाइफ में. अगर स्मोक या फिर ड्रिंक कर भी रहे हैं या फिर जंक फूड भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो चल जाएगा अगर आप साथ ही बैलेंस एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं. इट्स वेरी मतलब कोइंसिडेंटली कि आपने ये क्वेश्चन मुझे आज पूछा. कि कल ही मैं एक रिसर्चर का इंटरव्यू पढ़ रहा था एंड कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करी. ही इज अ वेरी ओल्ड जेंटलमैन, आई थिंक वो 80s में अपना. वो बता रहे थे कि हमारी इस रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और वो कितना भी हेल्दी खाए उसकी लाइफ स्पैन उतनी नहीं है जितनी जो थोड़ा सा अनहेल्दी खाकर डेली एक्सरसाइज करता हो उसकी है. तो रिसर्च जब आपको ये सारी चीजें देती है ना, तो फिर देयर इज नो डाउटिंग इट. इसलिए हम लोग गूगल के ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पे नहीं जाते. आप रिसर्च जो पब्लिश स्टडी है उसको देखो. उससे प्रूव होता है कि एक्चुअली कौन से फूड्स हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं, कौन सा लाइफस्टाइल है जो एक्चुअली वर्क करता है. Sir, it was great interview.